नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। अंबाला में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। अंबाला से आज 62 नए मामले सामने आए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको कोरोना से जुड़ी हुई बता रहे हैं। अंबाला से आज तकरीबन 62 नए मामले सामने आ रहे हैं और कोरोना से एक और मौत हो गई है। अंबाला में आज 102 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। अमन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आपको जानकारी दे रहे हैं, कोरोना से जुड़ी हुई अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अंबाला में आज 102 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और इसी के साथ दुखद खबर ये कि 62 नए मामले सामने आए हैं। अंबाला में 405 इस वक्त एक्टिव केस है। कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। अंबाला में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद प्रशासन भी लगातार कोशिशें कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से जुटा हुआ है, लेकिन इस बीच लगातार हर रोज नए केसेस सामने आ रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो 62 नए मामले सामने आए हैं। एक कोरोना की वजह से मौत हो गई है अंबाला में। 405 फिलहाल एक्टिव केस है अभी अंबाला में। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोरोना से जुड़ी हुई अपडेट, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 62 नए मामले एक साथ सामने आए हैं। इधर पंचकुला से आज कोरोना के 50 नए केस सामने आए हैं। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचकुला से आज कोरोना के 50 नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मचारी संक्रमित भी हुए हैं। आशियाना कॉम्प्लेक्स से आज फिर नए मामले सामने आए हैं। राजीव कॉलोनी और इंदिरा कॉलोनी से भी कई मामले मिले हैं। आशियाना कॉम्प्लेक्स से पहले भी कई केसेस सामने आए हैं और आज फिर से वहीं से केसेस सामने आए हैं। पंचकुला में भी आज कोरोना के 50 नए मामले सामने आए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अंबाला और पंचकुला में ज्यादा दूरी नहीं है, आसपास ही। और अंबाला में भी 62 नए केस आए, पंचकुला में भी आज 50 नए केस सामने आए हैं। आशियाना कॉम्प्लेक्स से आज फिर नए मामले सामने आए हैं। राजीव कॉलोनी और इंदिरा कॉलोनी से भी नए केसेस सामने आए हैं। पंचकुला से आज कोरोना के 50 नए केस पाए गए हैं। आशियाना कॉम्प्लेक्स पंचकुला में हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्योंकि पहले भी यहीं से केसेस ज्यादा आते रहे हैं और आज फिर से यहीं से केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा हम बता रहे हैं और कहां से केसेस आ रहे हैं पंचकुला में। राजीव कॉलोनी और इंदिरा कॉलोनी से भी कई केसेस सामने आए हैं। तो लगातार प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लगातार सरकार भी इस पर मंथन कर रही है। नए एक्शन प्लान बनाए जा रहे हैं, प्रशासन को तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और प्रशासन भी आगे जागरूकता फैलाने का कार्य भी कर रही है। लेकिन बावजूद इसके ये केसेस थम नहीं रहे हैं। सभी को इंतजार वैक्सीन का है, लेकिन तब तक सभी को 2 गज की दूरी बना करके रखना होगा, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ये कुछ कदम ऐसे हैं जो शुरू से ही बताए जा रहे हैं। इस बीच हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि केसेस कितने हो गए हैं, ताकि आपके लिए जानना जरूरी हो जाए कि आपके इलाके में कितने केसेस हैं और कितना संभल करके आपको रहना है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पंचकुला से जुड़ी हुई, जहां पर लगातार कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। मृणाल लाला मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मृणाल, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, यदि बात की जाए पंचकुला की, तो पंचकुला में बीते तकरीबन 25 दिनों से रोज जो है 2 दर्जन से भी अधिक मामले सामने आते हैं और कभी कभी तो एक कोरोना विस्फोट ही हो जाता है, जैसा कि आज हुआ है। आज पंचकुला की कोविड लैब में 50 मामले जो है वो कोरोना संक्रमण के पाए गए हैं, जिसकी पुष्टि पंचकुला की CMO डॉक्टर जसजीत कौर ने भी की है। इसमें से 36 मामले जो है पंचकुला के हैं, 9 मामले जो है वो बाहरी जिलों के और बाहरी राज्यों के हैं और 6 जो है वो तकरीबन मामले वो अनट्रेस हैं। तो आज फिर एक बार कोरोना विस्फोट जो है वो हुआ है। कहीं लगता है कि लोग जो है अब कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, जैसा हम पहले भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग जो है अब सामने आने शुरू हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, तो उसकी वजह से वो उनका जो कोरोना है जिसका वो डिटेक्ट हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। टेस्ट होंगे उतना ही पता चल पाएगा कि कितने संक्रमित मरीज है या फिर नहीं, और टेस्ट हो भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मृणाल तमाम इस जानकारी के लिए। इस बीच कैथल से भी हम कोरोना से जुड़ी हुई अपडेट आप तक पहुंचाते हैं।
कैथल में भी कोरोना से एक और मौत हो गई है। कैथल से कोरोना के 12 नए केस पाए गए हैं, ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको। कैथल से जुड़ी हुई कोरोना से जुड़ी हुई अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कैथल में कोरोना से एक और मौत हुई है। कैथल से कोरोना के 12 नए केस निकल करके सामने आए हैं। कैथल में कोरोना से एक और मौत, लगातार कैथल में भी कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जागरूकता फैलाने का कार्य प्रशासन कर रहा है, पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, जो कि नजर बनाए हुए हैं। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, नकेल कसी जा रही है। हम आपको बताएं, सोमवार और मंगलवार तक मास्क का वितरण भी किया गया, कोई चालान नहीं किए गए, लेकिन अलर्ट भी कर दिया गया था कि बुधवार से चालान काटे जाएंगे और चालान काटे भी जा रहे हैं जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि इस बीच दो ही मंत्र हैं, दो गज की दूरी और मास्क। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जारी है, कैबिनेट की अहम बैठक चल रही है। इस वक्त कैबिनेट में करीब एक दर्जन के करीब एजेंडे रखे गए हैं। मानसून सत्र की तारीख पर भी फैसला हो सकता है। हरियाणा सिविल सेवा नियमों में संशोधन पर मुहर लग सकती है और कई अहम मुद्दों को लेकर के बैठक चल रही है। तो हम तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। चंडीगढ़ में ये अहम बैठक चल रही है, कैबिनेट में तमाम मंत्री वहाँ पर मौजूद हैं, दुष्यंत चौटाला वहाँ पर मौजूद हैं। और इसी के साथ हम आपको बताएं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। कमलेश ढांडा मौजूद है वहाँ पर, जेपी दलाल कृषि मंत्री वो भी मौजूद हैं, और कैबिनेट का मंथन चल रहा है क्योंकि मॉनसून सत्र बुलाना है और उसको लेकर के भी क्या कुछ तैयारियां हैं उसको लेकर के भी बातचीत चल रही है। गृहमंत्री अनिल विज भी वहां पर पहुंचे हैं क्योंकि गृहमंत्री अनिल विज को चोट लगी है, लेकिन उस बीच भी वो पहुंचे हैं इस अहम बैठक में। और रणजीत चौटाला इस बैठक में पहुंच रहे हैं और बैठक ये अब शुरू हो गई है, बैठक चल रही है। मनोहर कैबिनेट का मंथन चल रहा है, इस मंथन के बाद क्या कुछ अहम निकल कर के आएगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये अहम बैठक चल रही है। तकरीबन एक दर्जन एजेंडे इसमें रखे गए हैं और इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि मॉनसून सत्र की तारीख पर भी बड़ा फैसला हो सकता है, जल्दी मॉनसून सत्र भी बुलाया जा सकता है। क्योंकि इससे पहले तमाम सिटिंग प्लान को लेकर के तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, जो नए विधायक हैं उनको ट्रेनिंग दे दी गई है, सिटिंग प्लान में जो चेंजेस हो गए हैं वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। लेकिन इसके अलावा प्रदेश में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर के भी मंथन इसमें चल रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचकुला पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़। धनखड़ ने कहा कि आज पूरे हरियाणा के 22 जिलों के मंडलाध्यक्षों के साथ बैठक पूर्ण हुई है। धनखड़ ने यह भी कहा कि बीजेपी का मंत्र है गिव योर बेस्ट टेक अदर्स बेस्ट, और दूसरा मंत्र है मोदी है तो मुमकिन है, बीजेपी है तो उपलब्ध है। ओपी धनखड़ ने कहा कि आज उन्होंने भाजपा द्वारा रक्षाबंधन से शुरू किए गए वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा भी की है। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त के दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के मौके पर हर गाँव हर वार्ड में उनकी स्मृति में त्रिवेणी का पौधा लगाया जाएगा और पर्यावरण संरक्षण के नाते उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि जेपी दलाल को चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है, जबकि सांसद संजय भाटिया व राजेश कौशिक को भी उनके साथ जिम्मेवारी सौंपी गई है। उनके साथ मेरी बैठक पूरी हो जाएगी। 10 मंडलों के साथ हम ये बैठक रोहतक में संपन्न कर चुके हैं, 5 जिलों के साथ, 10 जिलों के साथ रोहतक में संपन्न कर चुके हैं, 5 जिलों के साथ कल हिसार में संपन्न कर चुके हैं, 7 जिलों के साथ आज यहाँ है, तो 22 के 22 जिलों के मंडल अध्यक्षों के साथ ये बैठक संपन्न हो जाएगी। सभी जगह एक ही बात है, अगर आप मंत्र पूछ रहे हो तो मंत्र एक ही है, बीजेपी का एक मंत्र है गिव योर बेस्ट टेक अदर्स बेस्ट। आप अपने सर्वश्रेष्ठ की अभिव्यक्ति करो और जो कार्यकर्ता आपके साथ काम करते हैं उनका भी सर्वश्रेष्ठ लो, उनके सर्वश्रेष्ठ को अर्जित करो। दूसरी बात जो कार्यकर्ताओं को बताई है, मंत्री को बताई है, वो है मोदी है तो मुमकिन है और बीजेपी है तो।
कोरोना महामारी के बीच स्वतंत्रता दिवस मनाने की तमाम तैयारियां की जा रही हैं। राजधानी दिल्ली के लाल किला ग्राउंड में आज सुरक्षा बलों ने फाइनल रिहर्सल की। वहीं हरियाणा के भी कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर के तैयारियां की गई हैं। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया गया। फाइनल रिहर्सल में उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर पुलिस की महिला टुकड़ी, पुरुष टुकड़ी, होमगार्ड और स्काउट्स की टुकड़ियों ने परेड में भाग लिया और मार्च पास्ट किया। वहीं यमुनानगर में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का सुरक्षा और गरिमापूर्ण आयोजन स्थानीय तेजली खेल परिसर में किया जाएगा। और स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर अंबाला मंडलायुक्त दीप्ति उमाशंकर राष्ट्रीय ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी लेंगी। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यमुनानगर, दिल्ली और सिरसा की, जहां पर मार्च पास्ट की सलामी की रिहर्सल ली जा रही है और 15 अगस्त की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यमुनानगर, दिल्ली और सिरसा की, जहां पर मार्च पास्ट की रिहर्सल, फाइनल रिहर्सल की जा रही है। 15 अगस्त से पहले ये फाइनल रिहर्सल फुल ड्रेस में की जाती है और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 15 अगस्त को कोई भी चूक ना हो, कोई भी गलती ना हो, और इसलिए पूरी प्रक्रिया की जाती है फुल ड्रेस में, ये पूरी तैयारी की जाती है। दिल्ली में आप देखिए बारिश के बीच में ये पूरी रिहर्सल की गई है। और 15 अगस्त वो दिन, गौरवशाली दिन, जिस दिन फिर से रिहर्सल की ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो महामारी के बीच इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और ये पांच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गोहाना, इंद्री, कुरुक्षेत्र, पलवल और पंचकुला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फाइनल रिहर्सल की जा रही है स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया रहती है, पहले पूरी रिहर्सल की जाती है और फिर 15 अगस्त के दिन तो ये पांच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ एक अहम जानकारी भी हम आपको बता दें कि ध्वजारोहण पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं करेंगे, इसलिए विशेष ध्यान पंचकुला में भी दिया जा रहा है। और पंचकुला में किस प्रकार से रिहर्सल चल रही है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर गुरुग्राम में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे संवाददाता राज वर्मा बता रहे हैं गुरुग्राम में तैयारियां कैसी हैं। देश भर में 15 अगस्त यानी कि आजादी के जश्न की तैयारियां पूरे जोरों पर है। इस सब के बीच गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी आजादी के जश्न की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। तो वहीं गुरुग्राम पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए भी अपनी तैयारियों को चाक चौबंद किया है। शहर के अलग अलग हिस्सों में बैरिकेडिंग की गई है। कोई भी संदिग्ध गाड़ी या व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी चेकिंग की जा रही है। इस सब के साथ साथ गुरुग्राम पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके चलते 14 अगस्त सुबह 9 बजे से लेकर 15 अगस्त दोपहर 2 बजे तक किसी भी तरह के छोटे या बड़े कमर्शियल वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा, जिसके चलते अब जयपुर से दिल्ली की तरफ आने वाली कमर्शियल गाड़ियों को गुरुग्राम के पचगांव से ही केएमपी की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो इस सब के साथ साथ शहर के अंदर जो कमर्शियल गाड़ियों का मूवमेंट होगा तो उसके लिए भी अलग अलग डाइवर्जन गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने तय किए गए। कोशिश यही है कि 15 अगस्त के दिन किसी भी तरह का कोई जाम दिल्ली या एनसीआर इलाके में ना लगे, तो उस सबको ध्यान में रखते हुए ये ट्रैफिक एडवाइजरी गुरुग्राम पुलिस की तरफ से जारी की गई है। इस सब के साथ सुरक्षा को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा जा रहा है। शहर के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके, क्योंकि कोरोना काल है तो ऐसे में ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि कोरोना से भी बचाव करना और साथ में जश्न में किसी तरह का कोई खलल ना पड़े उसका भी पूरा ध्यान रखना है। तो तमाम जो मॉल्स है या जो दूसरे हिस्से हैं शहर के, वहां पर पुलिस की संख्या में बढ़ोतरी करने के साथ साथ जो बैरिकेटिंग है, इसके अलावा जो चेकिंग है, वो भी गुरुग्राम पुलिस की तरफ से बढ़ा दी गई है। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज।
तो प्रदेश में तैयारियां पूरी जोरों शोरों के साथ चल रही है। इसी के साथ गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि 15 अगस्त को कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा, केवल ध्वजारोहण होगा। लेकिन खुद गृह मंत्री अनिल विज इस ध्वजारोहण में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम आपको बता दें अनिल विज चोटिल हो गए थे। इसके अलावा क्या कुछ कहा है गृह मंत्री अनिल विज ने, ये पहले आपको सुनवाते। 15 अगस्त पर सारी सेरेमनी वैसे ही होगी, खाली जो कल्चरल प्रोग्राम है और जो कोई दूसरे फंक्शन है उनको रोका गया ताकि भीड़ भाड़ ना हो कोरोना के कारण। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने कहा चढ़ा दिया था, जर फंस गई। व्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा, ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा, साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। देश प्रदेश खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा, देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार, आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। सौ 100% शुद्ध दूध से बना मुरली शुद्ध देसी घी। रागनी गारा से यो नाच नचारा से, सीरियल ल्यारा से यो फिल्म दिखारा से, उत्तर भारत की खड़ी बोली का इकलौता चैनल एंडी, अपना कल्चर अपना चैनल। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटोनिक। देश के टैक्स सिस्टम में बहुत बड़ा सुधार, फेसलेस स्टेटमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर की शुरुआत, अब इनकम टैक्स वाले नहीं बना पाएंगे गैर जरूरी दबाव। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट का मंथन, विधानसभा के मॉनसून सत्र पर लग सकती है मुहर और बैठक में रखे गए हैं 12 एजेंडे। 24 घंटे में फिर मिले कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मरीज, 67,000 से ज्यादा संक्रमितों की पुष्टि, 950 की मौत, देश में आंकड़ा 24 लाख के पास, एक्टिव केस 6.5 लाख। प्रदेश में 44,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा, फरीदाबाद में 113 और गुरुग्राम में 98 नए मामले, अंबाला में 65 और महेंद्रगढ़ में मिले 7 मरीज। रोहतक पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बाइक चोर गिरोह के 4 बदमाश गिरफ्तार, 14 वारदातों का खुलासा, चोरी की 8 बाइक भी बरामद। और ब्रेक के बाद हम रुक कर रहे हैं अगली खबर की ओर। सरसा के गांव नटार के पास सीवरेज में बीती रात गिरे व्यक्ति की तलाश के लिए जिला प्रशासन की मौजूदगी में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस दौरान उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान व डीआईजी डॉक्टर अरुण सिंह सहित प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। देर रात को ही उपायुक्त ने लापता व्यक्ति की तलाश के लिए सेना के उच्च अधिकारियों से बातचीत कर हिसार कैंट से आर्मी की टीम को बुला लिया गया।
आर्मी की टीम ने सुबह ही मोर्चा संभालते हुए पूरी टीम के साथ व्यक्ति की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया। सर्च अभियान अभी भी जारी है। अभी तलाशी अभियान को करीब 17 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन शिविर में डूबे दूसरे व्यक्ति का भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। सिरसा के गांव नटार में सीवरेज में डूबे व्यक्ति की तलाश के लगातार पिछले 17 घंटा से अभियान जारी है। आप देख सकते हो कि पूरी तरह से कॉपलेन मशीन लगाई गई है, जेसीबी मशीन लगाई है, और वो जगह जहां उसके डूबने की आशंका है, यानी जिस टीके को देखने के लिए, जिस मेन रोड को खोलने के बाद जो डूबा है उसके ऊपर आसपास खोदा जा रहा है और काफ़ी गहरी खुदाई है। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये जो पंप है आप देख सकते हो, ये वही पंप है जब पंप को, इस पंप के जरिए किसान अपने खेत में पानी दे रहा था और जब इसके अंदर पंप ने पानी छोड़ दिया तो उसको लगा कि पंप में पानी कैसे छोड़ा है। इसी की जाँच करने के लिए उसने वहाँ जाके जो मेन होल का होल है उसको खोला, लेकिन अचानक खोलने से उसने जो मीथेन गैस और जो कुछ जहरीली गैस होती है उसकी वजह से वहाँ बेसुध हो गया और उसके बाद वहाँ अंदर गिर गया। हालांकि दो युवक थे, तो दूसरा युवक उसको देखने लगा, बचाने गया, वो भी अंदर गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि एक युवक को ग्रामीणों के सहयोग से उसको बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन दूसरे युवक की अभी भी तलाश जारी है। 17 घंटा हो चुके हैं, अब आर्मी भी यहाँ पहुँच चुकी है, आर्मी ने मौका संभाल लिया है, लेकिन लगातार अभी तक उसकी तलाश जारी है, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि उनकी तरफ पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से जो खुदाई की जा रही है इसके साथ कोपलेन और जेसीबी मशीन लगाई जा रही है। लेकिन अभी दूसरी बात यह है कि मौसम भी बदलने लगा है, मौसम को देख सकते हो, अब बादल बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, ऐसे में अगर बारिश तेज होती है तो कहीं ना कहीं इस अभियान को झटका लगता है। हालांकि इसमें पूरे ग्रामीण मौजूद है, ग्रामीणों को पूरी तरह सहयोग किया जा रहा है, आर्मी वहाँ पहुँची है, प्रशासन यहाँ पहुँचा है, सब मिलकर के तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी तलाश बाकी है। सिरसा से मशीन जानी, इंडिया न्यूज हरियाणा। इधर एलनाबाद में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस ने भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और पुलिस लगातार अभियान इस पर तेज कर रही है। इस अभियान के तहत पुलिस ने कुल 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर दिया है, जिन्होंने एलनाबाद और रानिया थाना क्षेत्र में 3 वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली है। मामले में एलनाबाद के DSP जगत सिंह मोर ने बताया कि बीते 12 जुलाई को एलनाबाद शहर के वार्ड नंबर 2 में हुई एक घटना के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने इस वारदात में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस ने उन्हें 1 दिन के रिमांड पर लिया है। जिन्हें फायर किया था एक व्यक्ति पर, 3 आदमी मोटरसाइकिल बैठे थे, उसने उस वारदात में शामिल होना मान्य है, और एक मोटरसाइकिल छीना था हमारा कुत्ताबट के पास रानिया थाने के एरिए में, वो वारदात में भी उसने मान्य है शामिल होना, और एक आदमी को हमने हरीश्वरम मानिया है, उसको आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है, उसने भी इस वारदात में विजय नरेश उर्फ विजय खैरपुर मोटरसाइकिल वाली वारदात मानी है, इनको हमने देख लिया, पुलिस रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो मेरी सहयोगी आपको दिखाएगी 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें।